सही कह रही हूँ? मैंने पहले ही आपकी बहू से ही कह दिया था कि इस बच्चे को हम अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे, और रानिया को हम अपनी बहू तब बनाएंगे जब उस बच्चे को यहाँ छोड़ेगी। तो आप लोगों ने पहले ही इस बच्चे को उसके बाप के हवाले क्यों नहीं कर? क्या आपकी बहू ने ये बात आपको नहीं बताई? अम्मी, आपने ये सब क्यों कहा? चुप हो जाओ फहद, औलाद की हर जिद मानने वाली नहीं होती। अब तुम एक लफ्ज भी नहीं बोलोगे, समझे? अम्मी लेकिन चुप। हाँ, चुप करो फहद। देखें बहन, मेरे बेटे को रिश्तों और लड़कियों की कोई कमी नहीं। एक से एक अच्छे घर की पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की का रिश्ता मेरे बच्चे को मिल सकता है, लेकिन मेरे बेटे ने पसंद किया आपकी बेटी को, मुतल्लिका और एक बच्चे की माँ। हम अपने बेटे की खुशी के लिए खामोश हो गए, राजी हो गए इस रिश्ते के लिए, मगर हमने ये शर्त रखी थी कि इस बच्चे को हम अपने साथ हरगिज भी नहीं लेकर जाएंगे। बेहतर है कि इसे इसके बाप के हवाले कर दें। आप मेरे बच्चे के बारे में फैसला करने वाली होती कौन है? तुम्हारी होने वाली सास। मुझे मालूम नहीं था आंटी कि मुझे कबूल करने की आपने ये शर्त रखी है, वरना क्या करती? वरना मैं इस रिश्ते से इनकार कर देती, और अब मैं यही करूंगी। रानिया, बेटा चलो आप। नहीं। ए, अरहम को हाथ मत लगाना। अरहम मेरा बेटा है, तुम हुक्म देने वाले कौन होते हो? मैं कह रहा हूँ ये खबरदार जो कोई आ जो कोई आ गया है, अरहम इधर आओ। बहन निकाह शुरू करवाएं, पहले बहुत देर हो चुकी है। हाँ हाँ आइए आइए। रानिया चलो बेटा, निकाह में मजीद देर नहीं होनी चाहिए, चलो उठो। शाबाश। उठो। मुझे ये निकाह नहीं करना। रानिया ऐसे नहीं कहते। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। रानिया तुम फिक्र ना करो, हम अरहम को वापस ले आएंगे। मैं तो सिर्फ घर में मेहमानों की वजह से बेबस हो गया, वरना मैं उसे ऐसा कभी ना करने देता। भाई मैंने कह दिया है ना, मुझे ये निकाह नहीं करना। रानिया ये क्या कह रही हो तुम? देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ 24 घंटे के अंदर अंदर अरहम वापस आएगा तुम्हारे पास। और हम आ भी जाए तो मुझे तुमसे ये निकाह नहीं करना। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा है, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे। और वो जो तुम्हारी अम्मी ने कहा है वो तुम्हारी समझ में नहीं आया? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया फहद कि तुम मुझे अरहम के बगैर कबूल करना चाहते हो? मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। तो फिर तुम्हारी तरफ से ऐसी शर्त क्यों रखी गई? अम्मी अम्मी आप क्या? फहद मैंने कुछ गलत नहीं किया बेटा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा था, मगर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब ये बात मेरी माननी पड़ेगी तुम्हें। अम्मी रानिया कभी नहीं मानेगी। तो मैं भी हरगिज नहीं मानू। अम्मी प्लीज प्लीज फहद। रानिया मैं अम्मी को मना लूंगा,
वो नहीं मानेगी। इतने लोगों के सामने उन्होंने अपना फैसला सुनाया, अब वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगी। तुम अकेले भी होने क्या मना लोगे? ये मेरा मसला है ना। मुझे अब तुम पर एतबार नहीं रहा। ये क्या कह रही हो रानी? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था फहद कि तुम्हारे पेरेंट्स को मेरा बच्चा कबूल नहीं है। मैं इस शादी के लिए सिर्फ इसीलिए राजी हुई थी क्योंकि तुमने कहा था कि तुम अरम को बाप का प्यार दोगे, अपनाओगे उसे। मैं अब भी अपने वादे पर कायम हूँ। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी तरफ से इनकार है। बांधो और स्टेशन पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूं। हाँ हाँ सब ठीक है, खैरियत है। अच्छा यार तुम क्यों सवाल कर रही हो इतने? जो कह रहा हूं वो करो ना। देखो ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है, खुदा को मानो। नहीं अरे कोई शोर नहीं है यार, मैं जो कह रहा हूं पहुंचो, स्टेशन पहुंचो, मैं मिलता हूं। ओके खुदा हाफिज। चल भाई स्टेशन चल। भाई खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है। कहाँ जा रहे हो? अरे बताए ना स्टेशन। हाँ वहां तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन उसके बाद कहाँ जाओगे? तुमसे मतलब? ये बच्चा किसका लेके जा रहे हो? ये मेरा बेटा है यार, मेरा बच्चा है ये। फोन किसको कर रहे थे? ओ भाई तुम्हारा दिमाग ठीक है? हैं? मैं जिससे भी बात करूं, जो करूं, मेरी मर्जी है, मेरा मामला है। तुम कौन होते पूछने वाले? क्या जो सवारी बिठाते हो उसे यूं ही सवाल जवाब करते हो तुम? सबसे नहीं, लेकिन जो मशकूक लगे उससे जरूर करता हूँ। तो मैं तुम्हें मशकूक दिखता हूँ? देखो भाई मैं हूँ एक रक्षा ड्राइवर, दिन में दसियों लोग बैठते हैं मेरी गाड़ी में। गरीब आदमी हूँ, ख्याल तो रखना पड़ता है ना मुझे। ये रक्षा ही मेरा कुल असासा है। मैं अपने घर का भाई कभी हूँ। अगर तुम चोर डाकू या कातिल निकले तो मैं तो मुफ्त में मारा जाऊंगा ना। देखो ये मेरा बेटा है, हाँ सगा बेटा है मेरा, और मैं अपनी बीवी को फोन कर रहा था। हम दूसरे शहर जा रहे हैं अपने चाचा से मिलने। ये बच्चा इतना रो क्यों रहा है? अरे तो मेरी जान सब बच्चे रोते हैं यार, लेकिन जिस तरीके से आपका बच्चा रो रहा है क्या अलग यार? तुम्हें क्या सारी दुनिया के बच्चों का अंदाज पता है कि वो कैसे रोते? चलना है तो चलो वरना मैं जा रहा हूं। मेरा बच्चा रो रहा नहीं है। लो पानी पियो। इतना क्यों रो रही हो? नहीं पीना मुझे पानी, और आपकी हमदर्दी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम मुझे क्यों गुस्सा दिखा रही हो? वो बाप था, अपना बच्चा ले गया, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर है तुम्हारा किरण, तुम्हारा ही कसूर है। जब फहद की अम्मी ने अपनी शर्त के बारे में तुम्हें बताया तो तुम ये बात पीकर बैठी रही, और अयाज अगर अरहम को लेके ना भी जाता तब भी अरहम के मसले पर रुखसती के वक्त फहद की मां ने यह हंगामा जरूर खड़ा करना था। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं। मां ना भी बने फिर भी उसके सीने में एक मां का दिल हो। कैसी औरत हो तुम? तुम्हारे सीने में ना औरत का दिल है ना माँ की ममता। ओहो क्या हो गया, आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए? मैंने तो रानिया का भला ही सोचा था। ये बात इसीलिए नहीं बताई ताकि जब निकाह हो जाए तो फहद अपनी माँ को मना ही लेगा। तुम और तुम्हारी सोच, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि अयाज अचानक रानिया की बारात वाले दिन कैसे आतंका। कहीं ये बात तुमने तो नहीं उसे बताई? मैं क्यों बताऊंगी उसे? इसलिए कि तुमसे कुछ भी बाइद नहीं है। आप मुझ पे शक कर रहे? अरे भी मुझे इस बात से क्या लेना देना कि अरहम रानिया के पास है या अयाज के पास रहे। फिर वो क्यों आया था? मुझे क्या पता, उससे जाके पूछे कि क्यों आया था, मेरा उससे क्या लेना देना।
भी। भाई भाई मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे आराम चाहिए भाई, प्लीज कुछ करे। रानिया आराम आ जाएगा ना? रानिया तुम हौसला करो, मेरी बहन मैं कुछ करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, तुम संभालो अपने आप को। मुझे आराम चाहिए। ना सारा खाना बना था, वो भी जाया हो गया। जाएगा मेरा बच्चा हौसला। फहद बेटा इतनी रात हो गई है, चलो सो जाके। क्या मिला आपको ये सब करके? क्यों की ये बात आपने उनसे? अब तुम मुझसे सवाल जवाब करोगे? आपको पता है मेरी कितनी ऑकवर्ड पोजीशन होगी उनके सामने? उनकी बहू की वजह से हुई, उन्हें चाहिए था कि पहले से बंदोबस्त करके रखते बच्चे का। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको शर्त रखने की जरूरत क्या थी? एक माँ के साथ कैसे ज्यादती कर सकती हैं आप? फहद देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। फहद शहजादी पानी लाइयो। इसे क्यों लेकर आए हो तुम? क्या हो गया तुम? इसे क्यों लेकर आए हो, जवाब दो मुझे। तमाशा करोगी क्या? ऐसा बोलो, ये अब हमारे साथ रहेगा? मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रही, बता रही हूँ मैं तुम्हें। शहजादी इसे अपना बच्चा समझो। अच्छा मेरा बच्चा है ही नहीं तो मैं इसे क्यों अपना बच्चा समझूं? और वैसे भी पराई औलाद पालने का मुझे कोई शौक नहीं है। पराया नहीं है ये, मेरा बेटा है ये, रानिया का बेटा है ये। शहजादी मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। देखो इस बारे में तुम मत सोचो। तुम्हें ही देख के ना आज तक मैंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया है। तो अब क्या हो गया? हद हो गई अब, हद हो गई है। शहजादी मैं कह रही इसे वापस छोड़ के रहो बस। मैं इसे वापस छोड़ने के लिए नहीं लाया हूं। जी, मेरा भी जवाब अटल है। इतनी संगदिल मत बनो शहजादी। देखो, देखो कितना मासूम बच्चा है ये। मेरी सौतन का बच्चा ही है, मासूम कैसे हो सकता है? आज मैं कह रही हूँ वापस छोड़ कर आओ। कुछ तो खुदा का खौफ करो शहजादी, इस मासूम बच्चे से बैर पाल रही हो? मैं बैर नहीं पाल रही, एहतियात कर रही हूँ। सांप का बच्चा भी सांप की फितरत रखता है और मैं कोई नुकसान नहीं उठा सकती। वापस छोड़ के आओ। अभी? हाँ अभी। देखो ट्रेन की सीटी बज रही है। आयाज मैं कह रहा हूँ चलो, अभी वक्त निकालो, वक्त कम है। अकेले चाय पी रही हो? तो मैं मेरे साथ की जरूरत रही कहाँ है? ऐसा तो मत कहो शहजादी, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। अगर प्यार करते तो ये सब करते? मैंने तो इसको नाश्ता भी नहीं कराया। अय्याज से हर किस्म के घटियापन की उम्मीद की जा सकती है। तुम परेशान ना हो रानिया बेटा, वो लोग तो यही चाहते हैं कि तुम सारी जिंदगी इसी दहलीज पर बैठी रहो। मुझे आराम चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। सबर करो रानी, आराम वापस आ जाएगा। वो जिद में लेकर गया है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बच्चे को रखे। आदिल भाई ले आएंगे ना हम उसे? हाँ हाँ लेकर आएगा, क्यों नहीं। आदिल कह रहा था कि फाद ने कहा है वो अय्याज को नहीं छोड़ेगा। मुझे किरण से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमने तुम्हारे निकाह की इत्तला किसी को नहीं दी,
फिर उसका यूं एन उसी दिन निकाह के वक्त आना, इसका कुछ तो मतलब निकलता। क्यों करती हैं ऐसा भाभी मेरे साथ, क्यों करती हैं अम्मी? क्या बिगाड़ा है मैंने उनका? किस बात का मुकाबला करती हैं वो? खुदा का वास्ता है उन्हें बोले आप पीछा छोड़ दे मेरा, बख्श दे मुझे अम्मी, कह दे उनसे बख्श दे मुझे। रानिया बेटा तुम पर इतने मसाइब टूटे हैं, अब तो मेरे पास तसल्ली के अल्फाज ही खत्म हैं। बस यही कहूंगी कि सब्र करो और अल्लाह से अच्छे की दुआ करो। पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है अम्मी। इसी नहीं बोलते बेटा, अल्लाह अपने बंदों पर आजमाइशें डालता है, सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ता। चलो नाश्ता कर लो। पता नहीं अम्मी हरम ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। अरे मेरा बाबा बिस्किट खाएगा, बिस्किट खा लो, बिस्किट खा लो मेरा बच्चा, नहीं खा लो, नहीं खा लो। एक मिनट थोड़ा सा डबल रोटी खिला देते बाबा को, थोड़ी सी खा लो ना बेटा, ये लो खाओ। अरे आज खा लो ना, ये बाबा आपको इस पे मक्खन लगा के खिलाएंगे। हाँ थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा और खा लो, थोड़ा सा ऐसे, कल बाबा आपको मक्खन लगा के खिलाएंगे इसमें। हाँ और हलवा पूरी भी खिलाएंगे, हलवा पूरी खाओगे? अरे वाह, देखो इसे भी हलवा पूरी पसंद है, मुझे तो पता ही नहीं था यार। तुम्हें भी हलवा पूरी पसंद है ना शहजादी? अब क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। बुरा क्या हुआ? देखा भी बारात का वापस आ जाना कोई मामूली बात नहीं है। किसके लिए? दोनों के लिए। बिल्कुल मामूली बात है दोनों के लिए। क्या मतलब, कैसे? वो इतने गरीब लोग हैं उनके लिए तो ये मामूल की बात है। हाँ अलबत्ता हमारी बेइज्जती हो सकती थी अगर हमारे मेहमान साथ होते। दो चार तो मेहमान थे हमारे साथ, वो भी उन दोनों के दोस्त थे। और रही बात इजहार भाई की, वो अपने हैं। बेगम तुम इतनी सख्त दिल कब से हो गई? मैंने तो उसूल की बात की है, कोई सख्त दिल ही नहीं दिखाई। हमें अपने बेटे की खुशी देखनी चाहिए थी। तो बेटे की खुशी ही तो देखी थी, बारात लेकर नहीं गए क्या? लेकिन तुमने जो शर्त रखी थी वो गलत किया था। कितनी बार कहूं कि कोई गलत नहीं किया। आप बताएं हम क्यों पालें भाई किसी की औलाद? हमें क्या मालूम कि रानिया के पहले ससुराल वाले कैसे लोग थे, क्या खानदान था, कैसा खून था। बस करो बस करो, इसमें उस मासूम बच्चे का क्या कसूर था? रानिया एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की है, अगर वो बच्चा हमारे घर में प्रवेश पाता तो एक अच्छे किरदार का मालिक होता। भाई बड़ी ही जिद्दी निकली है लड़की रानिया, जरा भी लचक नहीं दिखाई। और बहू उसने तो बड़ों को कुछ बताया हुआ ही नहीं था, और रानिया को भी किसी ने नहीं समझाया कि अपनी जिद छोड़ दे। देखे उसका भाई भी तो बेऔलाद है ना, वो पाल लेता उस बच्चे को। भाई हम महीने का खर्चा देते रहते, इससे तो हमने इनकार ही नहीं किया। बस ये इतनी सी बात थी जो उन बेअकल लोगों की अकल में ना आई। यहाँ तो ताला लगा हुआ है, लगता है भाग गया। मेरा भी ये अंदाजा था कि वो भाग गया होगा। चेक करना जरूरी था, बहुत ही बुजदिल आदमी। माँ और बहन को भी साथ ले गया होगा ना वो? उसकी एक बहन का घर है यहाँ, वहां चेक कर। आइए आप। हेलो सलमा। हाँ
हाँ बोलो। कैसा है हमारा अरहम? तुम्हारा अरहम? हाँ कैसा है? हमें क्या पता भाई कैसा है। अरे इतनी जल्दी बदल जाओगी तुम? एक तो मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है, ऊपर से तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो। क्या ऑल फॉल बकरियों के रन, क्या मदद कर दी तुमने हमारी भाई? रानिया की शादी की इतला सही वक्त पर नहीं दी मैंने तुम्हें? अच्छा तो ये तुमने हमारी मदद की थी, वैसे इससे हमें क्या फायदा हुआ था? तौबा है सलमा, तुम तो बिल्कुल ही बदल गई। अरे अगर मैं इतला ना देती तो तुम्हारा भाई आकर अरहम को कैसे लेके जाता है इन वक्त पे? अयाज अरहम को लेगा कब? अब इतना अनजान भी मत बनो। हाँ ठीक कह रही हो, हमें नहीं पता। अरे खबर कैसे नहीं, कल ऐन निकाह के वक्त अयाज अरहम को पिस्तौल दिखाकर ले गया। तुम क्या अभी तक सोई भी हो या वो उसे कहीं और ले गया है? नहीं पता भाई कुछ भी। क्या कह रही तेरी सहेली? किरण कह रही है कि अयाज अरहम को ले आया, वो भी ऐन रानिया के निकाह के वक्त। भाई ऐसे वक्त क्यों गया अयाज? मुझे क्या पता, अगर अम्मा अरहम कहाँ है? तो उसे जल्दी से फोन मिला, उसे कह मेरे पोते को यहाँ लेके आए, इतने दिनों से मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। हाय अल्लाह मेरा चांद, मेरा जिगर का टोटा, पता नहीं कैसा होगा। अम्मा अयाज आ गया, मैं दरवाजा खोल के आती। जल्दी से जा, सबके जाऊं। हम वही कर रहे हैं जो तुम्हारे भाई ने किया। क्या किया मेरे भाई? शराफत से बाहर बुला लो उसे, खुद ही बता देगा, हम भी जहमत से बच जाएंगे। क्या बोल रहे हैं आप, कैसी जहमत, और आप लोग किसको ढूंढ रहे हैं? अयाज को। लेकिन क्यों? उसने अरहम को अगवा किया, उठा के ले गया। उसका बाप है, उसकी कस्टडी उसकी माँ के पास है, वो इस तरह नहीं ले जा सकता अरहम को। जुर्म किया उसने, इसलिए पुलिस आई उसे गिरफ्तार कर। देखिए क्या कह रहे हैं, क्या कर दिया अयाज ने, क्या कर दिया? अम्मा इसका मतलब किरण सही कह रही थी हमें। अरे गोली मार सुमी को, इसको समझा, ये क्या कह रहे हैं? सर कोई नहीं। अयाज कहाँ है? हमें क्या पता। झूठ मत बोलो। अरे मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, आप चाहे तो मुझसे कसम ले सकते। ये मेरा घर, अयाज को उसके घर जाके ढूंढे। तो आपका क्या ख्याल है कि हमने नहीं देखा होगा, वहां पे ताला लगा हुआ था। क्या ताला, कहां गया अयाज? ये आप हमें बताएंगी। हमें नहीं पता कि अयाज कहां है। यकीन करें हम दोनों को तो ये भी नहीं पता कि अयाज अरहम को लेने गया। क्या ये सच कह रही है? कसम ले ले हम झूठ नहीं बोल रहे। उसकी बीवी ने तो कब से मुझे घर से बाहर निकाल फेंका, बहुत ही बदजुबान है। हमारी रानिया बहुत अच्छी थी, सच पूछो तो हमने उसकी कदर नहीं की, पछता रहे हैं अब। तो क्या करें फहद? किसी दूसरे शहर गया होगा। कहाँ गया है अयाज, आप बताएं, आपका कौन कौन किस शहर में रहता है? बेटा मेरा कोई भी नहीं है, सिर्फ एक अयाज है और ये एक बेटी, मेरी बात पर यकीन करो। अरे ये क्या कर दिया शहजादी, शहजादी क्या है यार? वो आराम ने कपड़े गंदे कर दिए। हाँ तो धुला दो ना इसको। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा, बच्चे की मोहब्बत में कुछ ज्यादा ही पागल हो गया तुम। तो क्या हो गया? ये ट्रेन है, तुम्हारी अम्मा का घर नहीं है कि नहाने धोने चले। कपड़े लाया कोई इसके साथ? तुम तो बस बच्चे को उठाए हुए आगे थे। तुम बगैर बताए लेकर आए ना बच्चे को? बताओ मुझे, पूछ रही हो कुछ तुमसे? नहीं, छीन के लाया हूं। रानिया की तबीयत ठीक नहीं है, पर अरहम, अरहम है तो उसकी जान है। आप संभालो उसे, मैंने पुलिस से राब्ता किया है,
अयाज शहर में नहीं है। क्या शहर में नहीं है? तो फिर कहाँ गया वो? मैंने उसके घर पर रेड करवाई थी, दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसकी माँ और बहन तो बिल्कुल बेखबर है इस वाक्य से। फिर डोंट वरी, मैंने कल रात से लेकर अब तक तमाम डिपार्चर्स की डिटेल्स मंगवा ली, पता चल जाएगा वो कब गया और कहाँ गया। वो तो हमारी तवक्को से ज्यादा होशियार निकला, लेकिन ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। मैं उसकी नेचर को समझ गया फहद, वो बहुत ही खबीस है। यस। रानिया कैसे? रानिया की तबीयत ठीक नहीं है फहद। मेरी बहन ने बहुत तकलीफें उठाई, मुझे ऐसा लगता है कि अगर अरहम उसे ना मिला तो वो मर जाए। अल्लाह ना करे ऐसा हो, आप इत्मीनान रखो ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछूं। उसे हमारे निकाह की इत्तला किसने दी? मैं तो खुद ये सोच सोच के पागल हुए जा रहा। चले कोई बात नहीं, आप तसल्ली रखें, मैं अरहम को लेकर जरूर वापस आऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़। बुरी बात है रानिया, इस तरह से रिस्क से मुंह नहीं फेरते। थोड़ा सा खा लो बेटा। रानिया रानिया थोड़ा सा खा लो बेटा। मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा अम्मी, जब तक अरम नहीं आएगा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। बेटा तुमने रात से कुछ नहीं खाया। मैंने कहा ना अम्मी, जब तक अरम नहीं आएगा मेरे हलक से कुछ नहीं उतरेगा। ऐसा मत करो बेटा, अरम जरूर आएगा। बात को समझो, आदिल उसे ढूंढ रहा है, फाद पूरी कोशिश कर रहा है। बेटा कुछ दिन लग सकते हैं, तब तक मैं भूखी रहूंगी अम्मी। मैंने कहा ना आपसे मैं कुछ नहीं खाऊंगी। प्रयास जानता था अम्मी कितनी मोहब्बत करती हूँ मैं अरहम से, फिर भी उसने उसे मुझसे जुदा कर दी। रानिया खुद को संभालो बेटा, मेरी तरफ देखो। तुम्हें इस हाल में देखकर मुझ पर क्या गुजरती है तुम्हें अंदाजा नहीं है। बेटा मुझ पर रहम करो, अपनी माँ पर रहम करो बेटा। रानिया किसी गहरे स्ट्रेस में है, ख्याल रखिएगा कोई भी बात ऐसी इनके सामने मत कीजिएगा जो इन्हें नागवार गुजरे। और हां ध्यान रखिएगा इन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। ने मना किया उसको डिस्टर्ब ना करो, सोने दे। अरम मेरा बच्चा, अरम आदिल कुछ करो बेटा, आराम कर ले। सब ठीक हो जाएगा अम्मी, अल्लाह पर भरोसा रखे, अरम मिल जाएगा अम्मी। Thank you.
कुछ मंगाऊं खाने के लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मूड ऑफ क्यों कर रही हो शहजादी? खुश हो जाओ ना, हम यहाँ तफरी करने आए। हम कोई तफरी करने नहीं आए, यहाँ पे छुपने आए। जो बच्चा अगवा किया ना तुमने, इसके लिए पुलिस का डर है तुम्हें और अपनी साबका बीवी के आशिक का खौफ है। जमा कहाँ है तू? वो मैं हकला क्यों ना है कमबख्त? हम सबको मुसीबत में डाल के खुद छुपा बैठा है, तफरियां कर रहा है। तुम्हें कैसे पता अम्मा? मुझे कैसे पता चला? तू क्या समझता था जो तू करके गया किसी को पता नहीं चलेगा? अरे पूरे शहर को पता चल गया है कि रानिया की शादी पे पिस्तौल दिखा के तू अरहम को उठा कर ले गया। अटक गई ना सांस? मेरे लाल, हमारी सांस भी ऐसे ही अटक गई थी जब हमारे घर पुलिस आई थी। पुलिस? पुलिस आ गई? हाँ मेरे चांद, तूने खुद ही तो दावत दी थी। क्यों नहीं आती? पुलिस के साथ साथ उनका बड़ा अफसर भी आ रहा था। देख शराफत से बता दे, अरम को कहाँ छुपाया तूने? यार मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता, हमेशा रानिया के साथ ही बुरा क्यों होता है? बस इस बार तो फहद के साथ भी बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, वो ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता था। सॉरी टू से, मुझे इसमें आंटी की गलती नजर आती है। बड़ी छोटी हरकत की है उन्होंने, आंटी की भी और रानिया की भाभी की भी। चलो आंटी ने तो ये शायद रखकर ज्यादती की है, मगर रानिया की भाभी ने ये बात छुपा कर उससे भी बड़ी गलती की है। फहद भी बहुत डिस्टर्ब है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। आंटी को ऐसी शर्त नहीं रखनी चाहिए थी। जो होना था वो तो हो गया, अब ये सोचो आगे क्या करना है। यार तेरी फहद से बात हुई? मुझ में तो हिम्मत नहीं उससे बात करने की कसम से। हाँ यार, मैं उसके साथ ही लगा हुआ हूँ, वो पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा है। बस अब अरहम के आने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। यार अरहम तो आ ही जाएगा, लेकिन अगर आंटी अपनी जिद पर अड़ी नहीं तो फिर कैसे होगा? आंटी को समझना होगा यार। कौन समझाए, कैसे समझाए भाई? ये काम तो सिर्फ फहद ही कर सकता है, हम तो मशवरा दे सकते हैं और दुआ कर सकते हैं, मगर सच पूछो तो फहद को देखकर कभी कभी दिल बड़ा उदास हो जाता है। लड़के तो फ्लर्ट होते ही हैं, मगर उसने अपनी गलती की ना बहुत बड़ी सजा काटी है। उसकी बैड लक ये है कि उसे सचमुच उसी लड़की से प्यार हो गया जिसके साथ उसने फ्लर्ट किया। फहद ने बहुत स्ट्रगल किए, इतना बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन दिल अभी भी खुशियों से खाली है। अगर मेरा बस चले ना तो मैं रानिया और फहद की खुशियों के बीच में आने वाली हर रुकावट हटा दूं। अब दुआ करो कि अल्लाह आंटी के दिल में रहम डाल दे। आमीन आमीन। चाय पियो ना, लो जोया। मना किया था ना मैंने, मना किया था कि मत लाओ इसे, लेकिन बड़ी मोहब्बत जाग रही थी तुम्हारी। हीरो बन के उठा लाए अपनी औलाद को। बोला था मैंने कि ये काम इतना आसान नहीं है, मत लाओ इसे, लेकिन सुनते कहां हो तुम? जो तुम्हारी रानिया है ना, वो एक भेड़ों का छत्ता है, अब भुगतो तुम जेल कचहरियां। इस जुर्म में मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। शहजादी? क्या शहजादी, तंग आ गई हूं मैं। जब से मेरी तुमसे शादी हुई है ना, एक दिन भी मेरा सुकून का नहीं गुजरा। पहले तुम्हारी माँ, फिर तुम्हारी बहन और अब ये तुम्हारी औलाद, अजाब बना के रख दी है मेरी जिंदगी। निकम्मे और आवारा तो तुम थे ही, अब मुजरिम भी बन गए, इश्तेहारी मुजरिम। थोड़े दिनों की बात है शहजादी, सारा मामला ठंडा हो जाएगा। और हम इतना दूर आए हैं, पुलिस तो वहां आई थी ना, उनको क्या पता कि हम यहां पर हैं? पुलिस का काम है मुजरिमों को ढूंढना, तुम्हारी बू सूंघते सूंघते यहां पर भी आ जाएंगे वो।